तो उधर गुरुग्राम में नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा प्रदेश केंद्रीय कमेटी के शहर के मुख्य मार्गों पर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों को संबोधित करते हुए इकाई प्रधान राम सिंह सारसर ने हरियाणा सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि नीतियां कर्मचारी विरोधी हैं। बताया जा रहा है कि 9 मई को हरियाणा सरकार ने इनके साथ बातचीत की, लेकिन बातचीत विफल रही। कर्मचारियों की मांग है कि सफाई कर्मचारी, सीवरमैन तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को कोविड जैसी महामारी में बड़ी ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम किया था। सरकार ने कर्मचारियों को कोरोना योद्धा का दर्जा दिया, लेकिन आज यही लोग परेशान हैं। ऐसे में सरकार इनकी मांगों का समाधान करे या फिर 17 मई और 18 मई को 2 दिवसीय क्रमिक भूख हड़ताल करेंगे। किला है और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, जब तक हम इस सरकार को ये दिखा देंगे कि इन कर्मचारियों में वो ताकत है, वो पावर है, वो जुनून है कुछ कर गुजर जाने का, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, कातिला ऐसे ही रोडों पे चलता रहेगा और चलता रहा है। हरियाणा सरकार को सौंपा हुआ है उपायुक्त के मार्फत, मंत्रियों के मार्फत, कमिश्नरों के मार्फत, उस पर 19 सूत्रीय मांग पत्र है और उस पर हम हरियाणा सरकार से आग्रह करते हैं कि हमारी सभी की सभी मांगे जायज़ हैं और मानी गई मांगे हैं। हरियाणा सरकार ने पहले 24 अप्रैल और 17 अगस्त को हमारे शीर्ष नेताओं से जो मीटिंग की थी, उस मीटिंग में ये फैसले लिए गए थे और हमारी मानी गई मांगे थी। लेकिन बड़ी अफसोस के साथ ये बताना पड़ रहा है कि अभी तक एक भी परिपत्र जारी नहीं किया गया है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। और आज पालिका परिषद और निगमों के सभी शहरों में आज प्रदर्शन हो रहा है, रोड शो हो रहा है मुख्य मार्गों पर, और आने वाली 14 तारीख को मंत्रियों को फिर एक बार दोबारा से ज्ञापन देना है और 17 और 18 तारीख को 2 दिवस से कर्मी भूख हड़ताल तय हुई है। इसके बाद आने वाली 23 और 24 तारीख को